नमस्कार, अतुल पांडे क्लास स्कॉट जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने जनरल साइंस की क्लास में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी चीजों को अपने बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको निश्चित ही कुछ ना कुछ जानकारी की चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें मिल रही होंगी, जिससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा। साथियों, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अलर्ट मोड पे रखें, जिससे कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना, कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, तुरंत आप उस क्लास से ज्वाइन हो जाए और उस क्लास से संबंधित जानकारियों को का कलेक्शन करें। चलिए, एक नई क्लास के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। हेरिडिटी अनुवांशिकता, एक नई क्लास है हेरिडिटी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में होता क्या है, अनुवांशिकता कहा जाता है कि माता पिता के लक्षणों का उनके बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है, पहुंचती है, वही लक्षण कहलाती है क्या, अनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटी कहलाती है इसको। मीन्स बोला जाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नोट करिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ characteristics from parents to their offspring। ठीक है, मतलब माता पिता से उनके बच्चों में गुणों का प्रवाह होना, गुणों का पास हो जाना कहलाता है क्या, अनुवांशिकता। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक, और दूसरी चीज, दूसरी जानकारी है इससे रिलेटेड, इसी में कहा जाता है कि स्टडी ऑफ बोथ क्या चीज, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मीन्स अनुवांशिकता और जैव विकास का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, मीन्स ये भी बोला जाता है अनुवांशिकता। और जेनेटिक्स की जो स्टडी बताई गई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी ऑफ जेनेटिक्स को बताया, जेनेटिक्स की स्टडी की बात करते हैं तो इसकी स्टडी किसने की, तो कहा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रिया देश। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है जेनेटिक्स की स्टडी की। ठीक, इन्हीं को एक तरीके से फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स मींस अनुवांशिकता के पिता, अनुवांशिकता के पिता या अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता के जनक, अनु
आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता के जनक, तो आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, फिर देखिए जेनेटिक्स नाम का प्रयोग पूछा जाता है कि जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किसने किया। तो अभी जानकारी कड़ी में है कि डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया, आनुवंशिकता नाम का प्रयोग किया, जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया, जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। ठीक है, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। फिर आनुवंशिकी संबंधी अध्ययन के लिए अपनी जानकारी स्टडी फॉर जेनेटिक्स के लिए आनुवंशिकी संबंधी अध्ययन के लिए स्टडी फॉर जेनेटिक्स आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए स्टडी फॉर जेनेटिक्स के लिए और जेनेटिक्स के लिए मेंडल ने ठीक स्टडी फॉर जेनेटिक्स के लिए मेंडल ने पी प्लांट मींस मटर के पौधों का चुनाव किया। पी प्लांट को सेलेक्ट किया मटर के पौधों को सेलेक्ट किया। ठीक है, स्टडी फॉर जेनेटिक्स आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। फिर इसी से वेरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम हो जाता है पॉइसम सटाइवम। क्या हो जाता है? पॉइसम सटाइवम। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम हो जाता है पॉइसम सटाइवम। ठीक है, पी प्लांट की बात करें तो मेंडल ने पी प्लांट की, ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट की सेवन डिस्टिंक्ट ट्रेड से, सात विभिन्न गुणों से, सेवन डिस्टिंक्ट ट्रेड से, सात विभिन्न गुणों से लगभग 34 वराइटीज ऑफ गार्डन पी, 34 वराइटीज ऑफ गार्डन पी की स्टडी की। ठीक है, ठीक, मेंडल ने जो है कहा गया, मेंडल ने सेवन डिस्टिंक्ट ट्रेड्स, ठीक है, पी प्लांट के सात अलग अलग गुणों से कुल 34 वराइटीज गार्डन पी, मतलब पी प्लांट के मटर के पौधे के कुल 34 वराइटियों की स्टडी की। और इस स्टडी के आधार पे मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियम बताया। मेंडल गेव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी क्या बताए? नियम बताए। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियम बता दिए। ठीक है, तो ये हुई कुछ सामान्य जानकारी है। ठीक है, फिर इसमें और एक जानकारी की बात करते हैं कि किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जीन। ठीक है,
तो जीन शब्द का जो प्रयोग हुआ सबसे पहले, ठीक, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो फिर से एक छोटा सा क्लास देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टिव्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता से उसकी संतति में लक्षणों का प्रवाह होना, पास होना कहलाता है क्या, हेरिडिटी। स्टडी ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मीन्स अनुवांशिकता और जैव विकास का अध्ययन जेनेटिक्स अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। और इस अनुवांशिकी की स्टडी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जिसके कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता का पिता के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया, जेनेटिक्स टर्म का प्रयोग किया डब्ल्यू वाटसन ने। फिर अगली जानकारी बताई जा रही कि स्टडी फॉर जेनेटिक्स के लिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, मतलब कि जेनेटिक की स्टडी के लिए मेंडल ने किस प्लांट को चुना, तो मटर के पौधों का चुनाव किया। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा पाइसम सटाइगम पी प्लांट्स का बॉटनिकल नेम है। और इसी पी प्लांट्स के 7 डिस्टिंक्ट ट्रेट से 34 वैरायटीज, गार्डन पी के 34 वैरायटीज का स्टडी करने के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मींस अनुवांशिकता के नियम को बताया। ठीक है, फिर देखिए अगली चीज हम आपको बता रहे हैं कि जॉनसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। तो नोट करिएगा, क्लास समझ में आ रहे तो लाइक करिए दोस्तों। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासे हम आपको आपकी जानकारी के लिए देते रहेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए और भी अपने साथियों को हमसे जोड़ने का प्रयास करिए, हमारा उत्साह वर्धन करिए। हम आपको अपनी तैयारी के लिए नया आयाम, एक नई मंजिल की तलाश के लिए हम आपका सहयोग करते रहेंगे। चलिए आगे जानकारी है, कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए या आपको सामान्य जानकारियां होनी चाहिए, इन सब चीजों को उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अगली चीज है, फीनोटाइप और जीनोटाइप की बात आती है। फीनोटाइप और जीनोटाइप ठीक है, दो चीजें होती है। फीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप। यदि हम फीनोटाइप की बात करते हैं तो फीनोटाइप मीन्स होता है फिजिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब फिजिकली जो देखकर किसी जीव को जो हम पहचानते हैं उसको बोलते हैं क्या, फीनोटाइप। ठीक, तो फीनोटाइप मीन्स फिजिकल या ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल और ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइक दैट स्किन कलर, यदि बात कर ले स्किन कलर, हाइट एट्सेट्रा, ऐसी चीजें। ठीक है,
फिजिकल आर ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसके द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं, मतलब उसके रंग से, उसकी बोल भाषा से, ठीक है, उसकी हाइट से, तो वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है, जो हमें फिजिकली अपीयर होता है, दिखाई देता है। फिर जीनोटाइप मींस, जीनोटाइप कहा गया है जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस जेनेटिक एक्सप्रेशन किसी ऑर्गेनिज्म का। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन, यह हमें जीनोटाइप हमें दिखाई नहीं देता, जीनोटाइप हमें दिखाई नहीं देता, क्लियर है बच्चों में। तो फिनोटाइप मींस क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप मींस जेनेटिक अपीयरेंस, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर देखिए अगला टर्म वेरिएशन मींस भिन्नता, वेरिएशन, हम सभी जीवों में कहीं कहीं भिन्नता होती है, वेरिएशन होता है, हम सभी जीवों में क्या होती है, भिन्नताएं होती है, वेरिएशन होता है, जिसके द्वारा हम एक जीव से दूसरे जीव में अपनी पहचान करते हैं। जैसे हम जैसे कोई दूसरा, हमारे जैसा कोई दूसरा इस कलर इस साइज का नहीं होगा, होगा भी तो कुछ ना कुछ इसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, तो वही जो डिफरेंस होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसी को बोला जाएगा क्या, वेरिएशन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। तो वेरिएशन का एक डिफरेंस, डिफरेंस दैट एग्जिस्ट टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन टू विंडू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति, ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के दो जीवों के बीच जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा, भिन्नता कहलाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यदि जीवों में हम लोगों में वेरिएशन ना होता तो हमारी एक दूसरे से पहचान नहीं होती, और हम सभी आपस में स्ट्रगल करते अपने मेट के लिए, अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं होता। इस कारण किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वेरिएशन की जरूरत होती है, किसी सेम स्पीसीज। अगली चीज ट्रेट या फिर करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेट या फिर क्या बोला जा रहा है, करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेट क्या है या फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या होता है, तो कहा गया एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर, मतलब एक तरीके से फीनोटाइप, एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर मींस कोई पहचान वाले, एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर इन एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल, लाइक जैसा भी फिनोटाइप में बताया गया, लाइक स्किन कलर, लाइक स्किन कलर, हाइट, हाइट एक्सेट्रा, ऐसी चीजें, ठीक, तो कहलाती है ट्रेट, क्या कहलाती है ट्रेट। आई वाज में ये चार टर्म है, अगले क्या करैक्टरिस्टिक्स, एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर इन ए इंडिविजुअल लाइक स्किन कलर हाइट और क्या बोला गया, ठीक, मतलब जिनसे किसी ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, पहचान हो सकती है। अगली जानकारी एलील क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए,
इनहेरिटली चैप्टर आपके बहुत आसान हो जाएंगे ऐसे पॉइंट्स को तैयार रखने से। एलील क्या चीज है? तो एलील इज ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, जीन का पार्टिकुलर फॉर्म है एलील। एंड एलील इज ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। एलील जो होता है किसी जीन का एक पार्टिकुलर फॉर्म होता है, ठीक। और जीन, ठीक है, फिर इसी से दूसरा पॉइंट होता है लोकस। जो ये सब चीजें थोड़ी सी मैंने आपको क्रोमोसोम चैप्टर जब पढ़ाया था तो क्रोमोसोम में ऐसी कुछ चीजें डिफाइन की गई है, थोड़ा सा आप लोग क्रोमोसोम चैप्टर की क्लास को देखने का प्रयास करिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी क्रोमोसोम, ठीक है। तीन चार क्लासे क्रोमोसोम के टाइप्स, उनके स्टेट, विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऐसी क्लासे दी गई है, उसको देख के आप कुछ चीजों को प्राप्त करिए जो आपके लिए जानकारी की चीजें होंगी। तो कहा गया लोकस द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम। लोकस क्या है? द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम, द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम वेयर जीन प्रेजेंट, वेयर जीन प्रेजेंट, ठीक। द पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम वेयर जीन प्रेजेंट या लोकेटेड, वेयर जीन प्रेजेंट कॉल्ड लोकस, कॉल्ड लोकस, ठीक है। पॉइंट ऑन ए क्रोमोसोम वेयर जीन प्रेजेंट कॉल्ड लोकस। क्रोमोसोम पे एक पॉइंट जहां पे जीन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो हेरिडिटी का चैप्टर जो आपके क्लास 10 के तरीके से उनके लिए है, या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विभिन्न बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट की दृष्टि से हमने इस तरीके से छोटे मटेरियल्स को आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। फिर आगे क्लास में इसी मटेरियल्स आपको देते रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक अनुरोध कि वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। धन्यवाद।